आपको नहीं लगता है, प्लीज हमको प्रश्न नंबर दीजिए, बड़ा ध्यान से सुनिए, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ ज्यादा ही हद में बिगड़ गए हैं? और ऊपर बैठा परमेश्वर बोल रहा है, वो तो शुक्र है कि मैं अभी तक नहीं आया हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मत बुलाइए, क्योंकि अगर आपने उसको बुला लिया और वो आ गया और पता चला आप सोए पाए गए तो गई भैंस, राइट सर? इसका मतलब है चर्च ने पहले खुद जागना है, फिर चर्च ने दूसरों को जगाना है और दूसरों को प्रभु के राज्य में लाना है। और यहां पर लिखा है कि जब वो नींद से जागी तब वो मशाले ठीक कर रही है, इज़न्ट इट नो? इसका मतलब है हमको भी जागना है, हमको भी ठीक होना है। आप है मेरे साथ में ना? एक वचन और पढ़वाऊंगा और मैं देखता हूं कि क्या होता है। आप सब तैयार है? सर मैं वक्त में ध्यान रखूंगा। एक वचन पढ़िए पास्टर जी, आपका निर्गमन की पुस्तक उसका 12:11। आइए देखते हैं, वहां पर फुर्ती, वहां पर चुस्ती, वहां पर तेजी और वहां पर स्पीड कैसा रहा जी? और उनके खाने की यह विधि है, वापस, और उनके खाने की यह विधि है। ओके, यहां रुक जाएंगे, क्योंकि जिसको इंग्लिश में कहते हैं पास ओवर नाइट, यानी कि फसा की वो रात, एक मेहना को लेना है, उसके लहू को दरवाजे पे लगाना है, लेकिन उसका मीट यानी मटन कैसे खाना है वो बात हो रही है जी। कमर उसके बांधे की ये विधि है, कमर बांधे, वापस, कमर बांधे, इनका इको कट करना इनके माइक से अगर है तो जी, वापस, कमर बांधे, एक मिनट, क्या बांध के? आज की भाषा में जरा जवान बच्चे बोलेंगे क्या बांधते हैं पैंट में, बेल्ट, तो इसको कहेंगे बेल्ट बांध के। मेरा प्रश्न है सर, यहाँ पे जितने भी जो सीनियर्स हैं, यानी कि जो आंटी अंकल नाना नानी टाइप के, आप लोग प्लीज बताइए बच्चों को क्या सिखाते हैं? बच्चे लोग जूता उतार के, बेल्ट उतार के, यूनिफॉर्म उतार के, फिर टेबल पे बैठो और अच्छे से खाना खाओ, इज़न्ट इट? लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है मटन खाने की यह विधि है कि सबसे पहले कमर बांधो। आदमी कमर तब बांधता है जब वो बाहर जाता है, यस और नो? यहाँ लिखा है कमर बांधे, आगे पांव में जूती पहने, जूता पहन के कौन खाता है साथ? लेकिन यहाँ प्रभु कहता है जूता पहन के, आगे, और हाथ में लाठी लिए हुए, ये देखो, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में रोटी। आप लाठी पकड़ोगे लेफ्ट से, रोटी पकड़ोगे राइट से, आपको वही हाथ से रोटी तोड़नी है, उसी हाथ से आपको समझ में आना मटन का टुकड़ा पकड़ना है, कैसे खाओगे सर? लेकिन प्रभु कहता है मेरे पास में टाइम नहीं है, लाठी लिए, आप सुनिए, उसे फुर्ती से खाना, नहीं सर ठीक से पढ़िए, सुस्ती से, उसे फुर्ती से खाना, नहीं सर गलत हो रहा है सर, वहां लिखा सुस्ती से खाना, आप लोग प्लीज इसको करेक्ट करिए, सुस्ती से, सुस्ती सर, सर सुस्ती लिखा, जब लिखा है फुर्ती से खाना तो इसका मतलब है चर्च को भी क्या होना चाहिए? फुर्ती। चर्च के माय गॉडनेस पास्टर को कैसा होना चाहिए? फुर्ती से, फुर्तीला, बहुत सही जवाब। आपके वर्शिप टीम को, ये नहीं जनरल बात कर रहा, कैसे होना चाहिए? फुर्तीला। एक प्रभु के प्रचारक को कैसे होना चाहिए? फुर्तीला। आप है मेरे साथ में? यीशु, आपने और एक आदमी, यीशु मसीह तेजी था या धीमा? जोर से, जोर से, थोड़ा 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 सपोर्ट करिए प्लीज। या यीशु ने कभी ऐसे कहा आज मैं थक गया हूं तुम लोग जाओ मैं नहीं आ रहा हूं, ऐसा किया सर आपने कभी? भाई आपको पता है यीशु को पानी पीने तक का टाइम नहीं होता था, खाना खाने तक का टाइम नहीं होता था, इतनी तेजी थी, isn't it or no? मेरा प्रश्न है आज यीशु के हम लोग इस लाइफस्टाइल को क्यों नहीं जी रहे? कमा, आपको पता है अपने हमको बाइबल अलग दिखती है और मसीहत अलग दिखती है। मैं रिपीट करता हूं, आज हमको बाइबल अलग दिखती है और मसीहत अलग दिखती है। बाइबल क्या कहती है हमें उसमें रुचि नहीं है, मसीहत ने क्या सिखाया हमें उसमें रुचि है। कहते हैं हम यहाँ के हैं तो हम वैसा करेंगे, अगर इशारा समझ में आ गया होगा, हम वहां के हैं तो हम ऐसा करें, अरे तुम लोग तो ऐसे वाले हो हम तो ऐसे वाले, आइए ना समझ में, ना तो हम ऐसे वाले हैं ना तो हम वैसे वाले हैं, ना तो तुम ये हो ना हम वो हैं, हम सिर्फ मसीह के हैं। आप पेंटिकोस्टल हैं, आप कैरिस्मेटिक हैं, आप ऑर्थोडॉक्स हैं, आप कैथलिक हैं, आप मेथोडिस्ट हैं, आप सीएनआई हैं, बैप्टिस्ट हैं, आप जो भी हैं आप मसीह के हैं, राइट और नो सर? आपने क्या सिखाया उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है, आपका वचन क्या सिखाता है उसमें मुझे दिलचस्पी है। कमान कमान ये सुनो, मैं आपके बीच में और मेरा दो सेशन चलेगा इसको छोड़कर,
मैं चाहता हूं कि प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, मैं बहुत बड़े बोझ के साथ आपके बीच में आया हूं, और मैं जब यहां खड़ा होता हूं, आपको मैं सच बता रहा हूं सर, मुझे यहां डर होता है। और आपको पता है किस चीज का डर होता है? यहां दो कैमरे लगे हैं, वहां पे भी शायद एक आधा कोई कैमरा लगा होगा, लेकिन सबसे बड़ा कैमरा ऊपर है, और ऊपर बैठा परमेश्वर मेरी किताब लिख रहा है। बोला डैनियल जोधपुर में तो पहुंच गए 25वें कन्वेंशन में, वहां पर जो बोलना चाहिए था वो तो नहीं बोले, लेकिन पब्लिक को खुश करने के लिए बाप वो सब कुछ बोल दिए, मुझे उसका हिसाब देने का डर है। मैं यहां वो सब कर सकता था जो बाहर लोगों को पसंद आती है, लेकिन मैं यहां वो कर रहा हूं जो उसको पसंद आ रही है। तमाम 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 यहां लिखा है उसे फुर्ती से खाना। रिपीट, कैसे खाना है भैया? एक साथ, किसे खाना है? फुर्ती से खाना है। ना मैं अपने मैसेज के आखिरी हिस्से में पहुंच रहा हूं, आप लोग तैयार हैं? ना हल्के से पड़ोस को धीरे से गोली मार दीजिए और उनसे कहो कि बस थोड़ी देर और, ऐसा बोल दीजिए थोड़ी देर और। ना मैं चाहता हूं एक प्रश्न आपसे पूछूं और आप तो बोली दोगे पास। सब लोग तैयार है? ओके, जितने पीछे हैं आप लोग भी तैयार है सर? ओके, नाउ लिसन दिस, यीशु के ऊपर, यीशु के ऊपर क्या पवित्र आत्मा आया था? दो से एक साथ। ओके, यीशु के ऊपर, बहुत ध्यान से जवाब देना, यीशु के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया रूप क्या था? बहुत सही जवाब कबूतर। मेरा प्रश्न है कबूतर की निशानी क्या है? एक मिनट, किसने कहा शांति? सही जवाब। और आपने क्या कहा सर? मैसेज। मैसेज ऑफ व्हाट? पीस और व्हाट? सफेद कबूतर पीस की निशानी है, वॉर की नहीं। मैंने प्रभु से पूछा, जरा ध्यान से सुना, तैयार है? मैंने प्रभु से पूछा, जब 120 के ऊपर आपको यही पवित्र आत्मा उतारना था तो जबान के रूप में क्यों उतारे? मैं रिपीट कर दूं, जब यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतारना था, ये मत्ती 3:16 मत पढ़िए, तो आपने उतारा कबूतर के रूप में, और निशानी क्या है? पीस। लेकिन जब यीशु के चेले 120 के ऊपर, राइट करो सर, 100 x 1 x 2 4, यीशु के 120 में उतारा, तो आपने उतारा जबान के रूप में। मेरा प्रश्न है आप सभी से, क्यों? एग्जैक्टली क्या कभी ऐसा सोचे थे? यीशु ने, मैं मुंबई वाला हूं इसलिए वहां की बात कर देता हूं, यीशु ने ट्रेलर दिखाया, पिक्चर तो हम दिखाए। वापस आते हैं, यीशु ने मैडम ट्रेलर दिखाया, पिक्चर बाहर हम दिखाएंगे। और आपको पता है जबान क्यों दी है? ताकि आप और मैं यीशु का प्रचार करें, यीशु के बाहर जाकर उसकी चर्चा करें, क्योंकि 12 साल से लहू बहने वाली औरत को चंगाई यीशु की चर्चा में दी है, जकई का उद्धार यीशु की चर्चा में दी है, और 3,000 का उद्धार पत्रस की चर्चा में दी है। क्या बात है! मुझसे पूछा गया, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे कितने साल घूमे? आपको ताज्जुब हो जाएगा, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर घूमते वक्त में सिर्फ 3.5 साल में 200 किलोमीटर, कितना? Only 200 किलोमीटर। और आपको पता होना चाहिए यरूशलेम, जॉर्डन, समरिया, आपका बेथलेम, और आपका जो भी यीशु मसीह का जेरिको की थी वो गलियां, वो टोटल मिलाकर अगर आप लोग कभी गए होंगे मिडिल ईस्ट में, तो आपको पता लग जाएगा 200 किलोमीटर के अंदर में खत्म हो जाता है। 200 किलोमीटर घूमकर इतिहास को बदलने वाला वचन दे दिया, 200 किलोमीटर घूमकर जगत को बदलने वाला वचन दे दिया, और 120 का तो मैंने कल रात को भी कमाल बता दिया, जो कि परसों के दिन फिर मैं बताऊंगा। 120 के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो कबूतर नहीं उतरा, लिखा है डिवाइडेड टंग विद द फायर, ऐसा लिखा है उन सभी के ऊपर जबाने फटती हुई दिखाई दी, और उन सभी ने, वाओ, नॉट अन्य भाषा, लिखा है अन्य भाषा, दैट वॉज नॉट अदर लैंग्वेज, दैट वॉज समबडीज लैंग्वेज। मैं रिपीट करता, वो भाषा अनजान नहीं थी, वो भाषा जानी हुई थी, दैट वॉज नॉट अननोन, दैट वॉज नोन। अगर आपको इतनी सी भाषा समझ में आ जाए,
कैसा लग रहा है सब अभी तक? मैं अपने मैसेज के समाप्ति में हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने जबान क्यों उतारी? तब परमेश्वर ने मुझे बोला, डैनियल मरकुस की किताब उसका 16:14 पढ़ लो, मरकुस की किताब उसका 16:14। ये भैया लास्ट पार्ट है, प्लीज पढ़ लीजिए, आप लोग भी सभी निकालिए वचन को। मरकुस की किताब उसका 16:14 आप लोग भी देखना भैया। पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया जी, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। ये जो शब्द है पास्टर जी, उल्हाना का मतलब क्या है कोई बता सकता है? नहीं, उल्हाना का मतलब है डांटना। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, ही केम एंड ही रिब्यूक्ड। रिब्यूट का शब्द कोश यानी कि आपका डिक्शनरी निकालिए, वहां लिखा है दांत पीस के डांटना। इसका मतलब है यीशु ने डांटा क्यों? मुझे पता चला है कि अगले साल यानी कि 2019 में यहां 11 लोगों को डांट पड़ी, और अगले साल अगर मैच ठीक से नहीं खेला तो भारत डांटेगा। आप नहीं समझे अभी, यहां 11 और यहां भी 11। अगर भारत का क्रिकेट टीम 11 ठीक से नहीं खेलते तो यहाँ के पब्लिक डांटती है। यह सुनो, यहाँ पर यीशु के 11, और जब उन्होंने विश्वास नहीं किया तो यीशु ने कहा कि मैंने तुमको डांट लगाई है, मेरा विश्व मेरे जीवने पर तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? ऐसी डांट लगाते लगाते वचन 15, डांट लगाते लगाते वचन 15 जी। और उसने उनसे कहा, एक मिनट मैं रिपीट करता हूँ, कैसे? डांट लगाते लगाते वचन 15 जी, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये जो शब्द है ना प्रचार, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर जबान नहीं उतरेगी तो प्रचार कैसे होगा? अगर जबान उतरी है, आगे बोल दीजिए, तो जम के प्रचार होगा। तो इसका मतलब है यहाँ 80 का हो या 8 का, आप नहीं समझे, यहाँ 80 साल का हो या 8 साल का बच्चा, हर एक अपने बोलू हर एक ईसाई को प्रचार करना। आपको पता है आप कितने तरीके से आप लोगों से बात कर सकते हैं? आप अपना फोन निकाल सकते हैं, जो मैं करता हूं। आप चाहे फ्लाइट में हो, आप चाहे बस में हो, आप चाहे एसी कंपार्टमेंट में हो, अपना फोन निकालिए, बात सामने वाले से बात मत करिए, अपना फोन निकालिए और अपने दोस्त को फोन लगाइए और उनसे कहिए कि और कैसे हो, तो वो कहेगा सामने से, यार अभी तो बात हुई थी, बोलो चुपचाप सुनते रहे। फिर उसको बोलना शुरू करिए, तो उस दिन क्या पूछ रहे थे, यीशु कौन है? फिर वो सामने से कहेगा मैंने कब पूछा, तो आपको बोलना है चुपचाप सुनते रहे। और फिर आप शुरू हो जाइए उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, यीशु के पैदा होने से लेकर क्रूस पे मरने तक और जी उठने तक और वापस आने तक। और आपको पता है आप जितने लोगों को सुनाओगे उनको चुपचाप सुनना ही होगा, चाहे कॉफी पीते पीते। So simple. और मुझे पता चला है, सब तैयार है, मुझे पता चला है कि खुदा ने जबान दी है ताकि हम उसका प्रचार करें। आपको पवित्र आत्मा चाहिए? मुझे तो चाहिए और मुझे मिल चुका है सर, आपको भी मिल चुका है सर, आपको भी मिल चुका है। मैं वापस आपका हाथ देखना चाहूंगा, क्या आपको पवित्र आत्मा चाहिए? वाओ, खुद के लिए या दूसरों के लिए? जोर से नॉट पहले नॉट बाद में, एक ही जवाब चाहिए। किसके लिए? खुद के लिए या दूसरों के लिए? दूसरों के लिए। आपको नहीं चाहिए पवित्र आत्मा, आपको पवित्र आत्मा दिया गया है दूसरों के लिए। यरूशलेम नहीं छोड़ना, कल रात तो बोले कि नहीं बोले, यरूशलेम नहीं छोड़ना। और जब यरूशलेम को नहीं छोड़ना तो क्यों नहीं छोड़ना? प्रतिज्ञा का वादा पूरा होना बाकी है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम अपनी जगह पे नहीं रहोगे, यरूशलेम यहूदिया समारिया पृथ्वी के छोर तक तुम चले जाओगे। कमान यह सुनो, इसका मतलब है मुझे पवित्र आत्मा चाहिए मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए। जल्दी पूछो कैसे? डॉक्टर बनता है खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए, बाबरची बनता है खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए, मैकेनिक बनता है खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए। आपने कलीसिया खोल के रखी है खुद के नहीं, और ऊपर बैठा परमेश्वर मुझे पूछता है, डैनियल तेरे पैर को मजबूत कर दूंगा मेरे लिए वचन के लिए सुसमाचार के लिए, बाहर तेरे हाथ को सामर्थ्य बना दूंगा, जब तू बाहर जाएगा बीमार मिलेगा मैं उनको चंगा कर दूंगा, मैं तेरी जबान को छोड़ूंगा, मैं तेरी दोनों किडनी को सलामत रखूंगा। मैंने ये टॉपिक क्यों निकाला मुझे नहीं मालूम, बड़े ध्यान से सुनिए, मेरे पास में 10 मिनट और है, सुनिए। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपके सेवक, सेल्फ पर्सनल मत लीजिए, आपके सेवक आज बीमार होकर मर क्यों रहा? तब मुझे प्रभु ने एक वचन दिया, सुनना चाहोगे? yes!
आपका पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय वचन 16 1 Corinthians chapter 9 verse 16 बहुत ध्यान से सुनिए भैया ये आखिरी वचन है जी यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं जी क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है जी यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं एक मिनट वापस क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है ना यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय एक मिनट वापस पढ़ना यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय सर वापस पढ़ना यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय ओके ये जो शब्द है हाय ये कौन सा वाला हाय ये ऐसा वाला हाय या ऐसा वाला हाय आपको पता है इंग्लिश में क्या लिखा है वहां लिखा है वो अपॉन मी इफ आई डोंट प्रीच द गॉस्पेल आप शायद अभी भी नहीं सुने मैं रिपीट करता हूं क्या होगा मेरे साथ सुनिए क्या क्रिश्चियंस लिसन कैरफुली क्या क्रिश्चियंस बीमार होना चाहिए यस और नो जोसेफ आपको पता है वक्त कम है मेरे पास में आपके पैर सुहागने हैं रोमियो 10:15 मत पढ़िए आपके हाथों को मत्तुस की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 20 मत पढ़िए आप हाथ दूसरों पर रखोगे वो चंगे हो जाएंगे आप बीमार नहीं आपके पैर सुहावने हैं दानियल की पुस्तक उसका 12 का 3 मत पढ़िए वो जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं आसमान में दानों की लाइन चमकेंगे कमानिया सुन लो पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 16 मत पढ़िए तुम्हारा शरीर उसका मंदिर है मैंने प्रभु से पूछा प्रभु फिर ये ऐसा क्यों है कि आज बहुत सारे 21st सेंचुरी के मॉडर्न टाइप के क्रिश्चियंस आज कैंसर एचआईवी ब्लड प्रेशर डायबिटीज और न जाने क्या क्या बीमारियों से ये मर क्यों रहे तब ये बात प्रभु ने बताई बोला डैनियल जब तू मेरा घर बनाएगा तो मैं तेरा घर बनाऊंगा जब तू मेरा सोचेगा मैं तेरा सोचूंगा तू मेरा काम कर सो सिंपल इज दिस मैं ये नहीं कह रहा हूं जो अभी यहां बीमार है आपको डायबिटीज है आपको क्या है मुझे नहीं पता लेकिन मेरा प्रश्न है डंके की चोट पे बोलूंगा 600,000 लोग 40 साल कभी बीमार नहीं हुए जनरल में ओके आपने नहीं सुना मैं रिपीट करता हूं 600,000 40 साल जंगल में कभी बीमार नहीं हुए यहां तक कि उनके चप्पल नहीं फटे उनके कपड़े नहीं फटे उनका पीटर इंग्लैंड का शर्ट था या लिवाइस का जींस था मुझे नहीं पता बाटा का चप्पल था या टाटा का मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा लिखा है कि ना तो चप्पल फटे ना तो कपड़े फटे एक मिनट ना तो किसी को पिंपल आया मुझे नहीं पता डीओ यूज करते थे या नहीं करते थे साबुन यूज करते थे या नहीं करते थे सर पे शैंपू लगाते थे या नहीं लगाते थे और ये है यीशु की दुल्हन सी द डिफरेंस अगर वो उनको इतना संभाल सकता है बाहर से आज तो प्रभु अंदर है हमको कितना संभालेगा साहब जरा सोच के देखिए इसका मतलब है यीशु आने वाला है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि दुल्हन नींद से जाग ना जाए क्योंकि हमको खुद भी जागना है आगे बोल दीजिए सर और मचाना है हमको सुस्ती नहीं चाहिए मस्ती नहीं चाहिए हमको कलीसिया में चुस्ती चाहिए हमको लेजीनेस नहीं चाहिए हमको स्पीड चाहिए और मैं बता चुका हूं कि बाहर लूसीफर खड़ा वो नहीं जा नहीं सो रहा है वो 24/7 काम कर रहा है परमेश्वर ऊपर बैठा वो भी नहीं सो रहा है वो भी 24/7 जाग रहा है तो कलीसिया को भी नहीं सोना सब अपने घर पे खड़े हो कलीसिया को भी नहीं सो रहा है प्लीज गॉड सिस्टर प्लीज सब खड़े हो जाओ मेरे पास में 5 मिनट और है अगर मैं गलत नहीं हूं आज की सुबह की बाइबल स्टडी अगर किसी ने पूछा कि
के पास से डैनियल राज ने कौन से विषय पे बात किया, तो एक ही बोल देना कि परमेश्वर को सुस्ती नहीं चाहिए, मस्ती नहीं चाहिए, उसको चाहिए चुस्ती, उसको चाहिए स्पीड, उसको चाहिए जोशीले लोग, उसको चाहिए जो परमेश्वर के काम को बड़ी थड़प के साथ और बड़ी झलक के साथ कर सके। मैं यहां के यूथ बच्चों से कहना चाहता हूं, लड़का लड़कियों से, आपकी लाइफ बहुत प्रेशियस है, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है साहब। आपको नहीं पता है कि जिसने आपको चुना है, बाहर 16-16 साल का लड़का लड़की एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में दारू की बोतल लिए नशे में पड़े रहते हैं। आपका भारत की बात कर रहा हूं, हमारा इंडिया नंबर वन है वर्ल्ड में पॉवर्टी, नंबर वन है पॉपुलेशन, नंबर वन है कस्टर्ड सिटी, श्रापित शहर। आप सोच नहीं सकते हैं हम इसी भारत के, और वो परमेश्वर बैठा कहता है मैं आने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मेरा भारत तैयार हो जाए, भारत के लोग तैयार हो जाए। हम बच्चे काफी नहीं है, सबको बचना है। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद करें, सेम सॉन्ग वो लास्ट वाला, थैंक यू जीसस। Let your presence come upon us. चलिए मुंह खोलिए और प्रभु से कहिए कि परमेश्वर जैसे आज मैंने सुना मुझे वैसे ही तैयार कर। वो सैमुएल ना तो मां को चाहिए ना बाप को चाहिए, लेकिन एक है उसको चाहिए और उसका नाम है परमेश्वर यहोवा, और आज है यीशु। यहां संतोष है, यहां सलीम है, यहां अनिल है, यहां राकेश है, यहां सुनीता अनीता, आपकी जिंदगी यीशु को चाहिए।